तो ये दोस्तों YouTube का मेरा सारा का सारा सेटअप यहाँ पे ट्राइपॉड से लेकर हर एक चीज स्पीकर वगैरह जो वो यहाँ पे आ चुके हैं, तो चलो इसे करते हैं बंद। और ना भाई आप लोगों को सही बताऊं तो यार पूरी की पूरी शाम होगी सामान को खरीदते खरीदते, क्योंकि एक चीज यहाँ पे मिल रही थी, एक चीज वहां पे मिल रही थी, कुछ चीजें मिली और कुछ चीजें नहीं मिली, तो ऐसे भाई पूरा दिन लग गया। फिर भाग दौड़ में मैंने कहा चलो व्लॉग जो वो शाम को ही बनाता हूँ। आप लोगों में से बहुत से लोग बोल रहे थे कि काजल कहाँ है आजकल, काजल कहाँ है, उसको व्लॉग में क्यों नहीं लाते हो, तो चलो अभी काजल को मैंने थोड़ी देर पहले ही कॉल किया था, मैंने कहा आ जाओ यार लोग बहुत मिस कर रहे हैं। तो एक्चुअली उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी या हमारी लड़ाई हो गई थी, क्या चीजें हुई थी चलो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी हम चलते हैं काजल के पास। तो वेट करते करते ना दोस्तों टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग गया, 6:19 यहाँ पे हो चुके हैं। और आप ना बड़े दिनों से पूछ रहे थे कि काजल एक्चुअल में क्यों नहीं ब्लॉग्स में आती, क्या हो गया भाई आपकी लड़ाई तो नहीं होगी? तो बीच बीच में होती रहती है लड़ाइयाँ, तो है ना दोस्तों के बीच में, बट क्यों नहीं आई आगे का सारा जो काजल खुद एक्सप्लेन करेगी। तो सबसे पहले तो हेलो, अकेले तो नहीं आई, पहले यहाँ पे बता देता हूँ। हेलो, ठीक ठाक हो? एक के साथ एक फ्री आता है, अच्छी बात है। हेलो हेलो छोटे भाई, हाय कर दो, हाय। ठीक है चलो दो एक्सप्लेनेशन, क्या हो गया था सब लोग जानना चाहते हैं तुमसे कि तुम इतने टाइम तक नहीं आ पाई। चलो मैं बताती हूँ, नहीं मिल पाए। हाँ। पहले तो कुछ थी पर्सनल चीजें थी, पर्सनल कैसे, क्या पर्सनल था मेरे को भी बताओ जैसे। अरे थी कुछ लड़ाइयाँ चली थी हमारी, जिस वजह से हम मतलब बात नहीं कर रहे। नहीं मेरे में ऐसे तो कुछ भी नहीं है, झूठ बोला मैंने, तुम सच में ले रहे इसको सीरियसली? ऐसा तो कुछ नहीं था, सच सच बता दो क्यों नहीं, मतलब क्या हो गया ऐसा? कॉलेज शुरू हुए मेरे, पहली बात ये, उसको तो 10-15 दिन हुए अभी शुरू हुए थे, कितना टाइम हो गया? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना? हाँ हाँ। तो हम तो शायद काफी लंबे टाइम से नहीं मिले ना, तो ऐसे मौका ही नहीं मिला। नहीं हम आप भी बिजी हो गए, आप 10-15 दिन कहीं घूमने चले गए, शादी हाँ। थी कोई क्या था हाँ। और मैं कॉलेज बिजी होगी, फिर उसके बाद मेरी हेल्थ इश्यूज थोड़े। हाँ ये बात सही है, थोड़ा सा ना दोस्तों बिजी शेड्यूल चल रहा था दोनों तरफ से, क्योंकि आपको पता है मैं ऐसे घर से निकलता नहीं हूँ, और जब निकलता हूँ तो फिर भाई आपको पता ज्यादा दूर का मेरा रहता नहीं है, तो बस फिर कुछ इस तरह से इनके भी कॉलेज लग गया। और ये वो वाले विद्यार्थी हैं वो जिनको टीचर ऐसे बोल देना वो क्या ली, कल अगर कोई पेन लेके नहीं आया तो स्कूल मत आना, ये सीरियसली ये नहीं मतलब जाएंगे, है कि नहीं, है ना? सच में होते हैं ना कुछ ऐसे नकचीड़े से स्टूडेंट होते हैं, मतलब उनको बोलते कल फीस ना लाना तो स्कूल नहीं आना, है ना? तो ये रोना धोना शुरू, ऐसे मेरे घर में होता है, तो हूँ मैं इसी चीज को। हाँ कबू कबू सिस्टर जो वो भी ऐसे ही करती है मेरी तरह। तो अभी ना दोस्तों लोकेशन जो प्रॉपर्ली चेंज हो चुकी है, मैं साइड बैठ चुका हूँ, क्योंकि देखो अभी चल रहा है थंबनेल के लिए फोटोशूट प्रॉपर्ली, और खाना वाना तो यहाँ पे हो गया। आप भी पास पास आ जाओ, आप क्यों दूर हो? कोरोना अभी नहीं आया वैसे। नहीं अभी आया नहीं है सच में, वैसे देखो काजल ने तो फुल सेफ्टी रखी, मास्क आ गया तुम्हारा, बहुत ही अच्छी बात होती है, मतलब बताऊं तो नहीं, मैं 2-4 दिनों से देख भी नहीं रहा था, मैंने पता भी मेरे को कर ली चला, शायद से लोग बोल रहे थे लॉकडाउन। वैसे यूट्यूबर्स लोगों को बहुत फायदा होता है पता लॉकडाउन का, क्योंकि सब लोग घरों में घुस जाते हैं ना, फिर सब लोग ब्लॉग्स देखते हैं। एंड भाई इधर तो ना अपनी मस्ती में लगे पड़े हैं भाई पूरे प्रॉपर, ठीक है खाया वाया भी कुछ नहीं इन्होंने, हर बार हाय। वो पतली कमरिया बोल रही, नहीं बोल रहे यार तू बोल, पतली कमरिया। इसको ना वैसे एक चीज तो है, वैसे थोड़ा सा भड़काया जाए ना, तेरे को पता क्या बोलती, सच में बोलती है, देख पता क्या बोलती तेरे को फोन पे, बोलो बहुत गंदा बच्चा है ये, मत मारना, पता है ये मेरे का कर देता है इंस्टेंट, फटाफट कर देता है, बहुत अच्छी बात है, बस थोड़ा सा बोलने की जरूरत पड़ रही। काजल के साथ तो ब्लॉग में और भी इंटरेस्टिंग सी बातें चलती रहेंगी, लेकिन बीच बीच में ना आप लोगों को ये भी तो बताना होता है कि आप यार घर बैठ के मोबाइल से पैसे कैसे कमा सकते हैं, वो भी गेम खेलकर। तो अभी दोस्तों मैं खेल रहा हूँ वन विन एप्लीकेशन में लकी जेट नाम का गेम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इस एप्लीकेशन को आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना, इसके ऊपर अकाउंट आपको क्रिएट कर लेना है। मैंने इसके अंदर दोस्तों डिपोजिट किए 6,000 रुपीज अपनी बेट लगाने के लिए, तो चलिए अभी देखता हूँ कि यहाँ पे मैं कितना जीतता हूँ। मेरा मेन टास्क यहाँ पे यही है कि मुझे पायलट के उड़ने से पहले यहाँ पे मनी कलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मेरा जेट दोस्तों फाइनली अभी उड़ चुका है, बस मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। तो अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ 8,120 रुपए, भाई थोड़ा सा और यहाँ पे वेट कर लेते हैं, तो ये लो 7,520 रुपए हो चुके हैं। यहाँ पे पैसे जीतने का दोस्तों उसको विड्रॉ करना भी बहुत इजी है, सिंपली आपने विड्रॉ के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे दिए हुए ऑप्शन पेटीएम यूपीआई कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो वन विन एप्लीकेशन का लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर आप मेरा प्रोमो कोड वाला 500 यूज करते हो तो आपको मिलेगा 25,000 रुपीज का बोनस आपके डेमो अकाउंट में। और हाँ इस गेम को आपने अपने रिस्क के ऊपर ही खेलना है, क्योंकि इसकी लत लग सकती है।
सकती है। और आपको एक और सलाह दूंगा, जब भी आप इसके अंदर मनी डिपॉजिट करते हो ना, तो ऐसे में यूपीआई वाला मेथड ही सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये देखो भाई, मेरे जीते हुए पैसे मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं, तो वेट किस चीज का कर रहे हो? और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ डाउनलोड करो एंड खेलो। चलो काजल को कोई ना कोई ऐसा तो है जो सजा दे सकता है। आप तो नहीं बोलते होंगे कुछ भी ना इसको? नहीं बोलते? कोई भी नहीं बोलता होगा घर में? सबसे छोटी लड़कियों में जो है बोल देते हो आप ना? फिर तो ठीक है, नारियल वाले फेस को नहीं बोलते कुछ। हाँ सच में कुछ जिस करना। अब दोस्तों आप लोग ये कमेंट करके बताओ, इसका फेस जो है ना अभी ऐसे लग रहा है, तो मैं बताता हूँ, ऐसे गोल होता है ना नारियल ऐसे, कि लग रहा है या नहीं लग रहा है, मतलब मान नहीं रही। उनको देखो वो गोल है, ठीक है, मेरा तो पता नहीं भाई कौन से एंगल का है। इसका भी गोल है। हाँ इनका भी गोल है, ठीक है, तीन लोगों का गोल है, बट ये बीच में ही थोड़ा नारियल वाला नहीं है यार, ये नारियल वाला ही होता है ऐसे। हाँ। आपको भी नारियल, आप बाकी कमेंट में बता देना। ये भी नारियल है। कौन है? अंकु भी नारियल है। दोस्तों काफी देर यहाँ पे बैठ लिए, खाना पीना भी हो गया, तो अभी टाइम है काजल जी और उनके सिस्टर का घर जाने का। ठीक है जी, ओके। एक तो गिफ्ट दी थी यार, ये तो संभाल के रखो। ये मुझे हिमाचल वाले ने अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए दिया है। और तुम छोटे भाई गेम ना खेला, भी गिरोगे स्ट्रेस से। तो दोस्तों अभी हम भूत बनके इन गलियों में पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। और ये कैमरा मुझे क्यों पकड़ाया? ये मीम बन जाएगा, वो पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। कहीं नहीं, मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, अज्जू भाई के पास में। और हम अपने रूम को जा रहे हैं। हाँ, काजल अपने रूम का, अपनी काजल और इनकी सिस्टर जो है ना। मार क्यों रही हो मेरे को? क्यों पता क्या बोल रही है ये? पर ये मेरी गली है, मैं आप भूत बन के पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। क्या दिमाग है तेरा? अच्छा कट करो। तो अभी हम, मैं और दीदी जा रहे हैं रूम, और मेरे को छोड़ के जा रहे हिमाचल वाला जा रहे हैं अपने दोस्तों के पास। और सच ये है कि मेरे को छोड़ने आए हैं बहुत दूर, मतलब बहुत पास में था रूम इनका, बट एक्चुअली हाँ। मेरे को भी पता नहीं है, गलियां बहुत डरावनी नहीं है कन्फ्यूजन वाली है, मतलब चंबा की गलियां ने, जिसको अंदाजा ना हो वो भटक जाता है। वैसे मैंने उन्हें बता दिया प्रॉपर कि कहाँ कैसे जाना है, बाकी तो काजल जी से ही पूछो। काजल जी तो क्या ही बताए बेचारे, काजल जी के गले की बैंड बजी है, काजल अपना ही दुख रोती है और कुछ नहीं। चलो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, मतलब कि कोई लड़ाई वाई ऐसी कुछ हुआ नहीं था। हाँ बात होती रहती है हमारी अभी भी, ठीक है, बस ऐसा कि कमेंट बॉक्स में ज्यादा वो शैतानबाजी मत करना। हाँ सही बोलूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि अभी मेरे कॉलेज है तो पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही हूँ मैं। हाँ। ये नहीं चाहती कि ध्यान कहीं और चला जाए। सही, मंदिर के दर्शन करवा दूं मैं आप लोगों को, पर मंदिर तो बंद है। भाई ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे स्क्रीन अपनी तरफ रखिए, वो भी मंदिर के दर्शन करवा देती हुई आपको ऐसे करके स्क्रीन घुमा के। फिर मेरे को क्या पता, मैं बड़े क्या? मैं यहाँ पे आया था तो एक्चुअली मैं ना यहाँ पे लिखा होता है कि मंदिर की फोटो खींचना सख्त बना है, तो फिर मैं नहीं खींचता। वैसे लिखा होता कि वीडियो बनाना सख्त बना है, नहीं फोटो के लिए शायद हो सकता है, बट करना भी नहीं चाहिए यार, अगर कहीं लिखा हो ना तो पालन करना चाहिए, ये पढ़े लिखे खातर। बिल्कुल ठीक है, दवाई दुई खाओ, बाकी मास्क पहन के रखो, मास्क पहन के रखो और दुआ करो जल्दी से जल्दी लॉकडाउन ना लगे। ठीक है, वैसे भाई व्लॉगर लोग तो यही बोल रहे होंगे कि लग जाए बट ना लगे, यार बहुत से लोगों के बिजनेस है, बहुत सी चीजें जो कि नहीं डूबनी चाहिए। चलो ठीक है, फिर टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, है ना, आपसे भी टेक केयर, बाय छोटे भाई, नमस्ते बोला फिरने को। ठीक है नमस्ते, हाँ चलो धीरे धीरे हो ही जाएगा नमस्ते कुछ दिनों से। ओके टाटा, चलो जो वहाँ वो इसको होमस्टे में तो लेके आना, एक बार आओ आप इस में होमस्टे आओ ना, ठीक है, पक्का लोग होमस्टे में देखेंगे पक्का, फिर ठीक है तो पहुँचो फिर, ठीक है। और अपने अज्जू भाई और आशीष भाई भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो चलो निकलते हैं, ठीक है, ओके। इस तरह से दोस्तों ढेर सारी बातें जो वो काजल के साथ भी होगी, साथ में हमने डिनर भी कर लिया एंड काफी देर बैठे रहे आपस में फन वन किया, एंड अभी ना दोस्तों टाइम है यहाँ से निकलने का, थोड़ी देर मैं आशीष भाई के घर जाऊंगा जो मेरे साथ हैं, उनके घर जाने के बाद फिर फाइनली हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। गाड़ी की भाई लाइटें अभी बंद हो गई थी जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा था, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी के लिए ना थोड़ी लाइट जो है एक्स्ट्रा डलवा के रखी, ताकि आप लोग जो अच्छी तरह से मेरा मतलब पूरा का पूरा फेस जो वो दिख जाए। बाकी कैमरा के लिए बहुत सी ऐसी चीजें लाया हूँ जो कि मैं आपको चलो दिखाता हूँ रूम में जाकर। तो देख रहे हो भाई घर आते यहाँ पे हो चुके हैं दोनों पूंछ लाना शुरू। ओए कोको मत कर परेशान उसको, देख लो भाई कुछ इस तरह से इनका रहता है। और आप सर कितने दिनों के बाद आए हो, आज दिखते नहीं हो, आजकल बहुत गोल गोल रहते हैं ब्लॉग में, लोग ढूंढते रहते हैं भाई,
कहा कितने दिन बाद आया तू बता दे, चल बातें कर दे। यहाँ देख नहीं है, मारता नहीं हूँ मैं, बता दे कितने दिनों बाद आया है। रोनी कहाँ था इतने दिन? अभी भाई तू शांत हो जाए ना थोड़ी देर, क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए? अब देखो एक्साइटमेंट में वो कभी उससे लड़ेगा कभी उससे खेलेगा। चलो नहीं उठाऊंगा ही नहीं मैं तो, रहने दे नहीं उठाऊंगा, बेशक कुछ भी कर लो। हेलो प्रणाम देशवासियों, ठीक ठाक हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो बन गया खाना वाना? कोको एक मिनट रुक जा यार, ले ये ले ये स्पीकर लेके आया हूँ मैं, बाद में दिखाता हूँ, खा ले, खा सकता उसको। चल आजा, दोनों को प्यार करूंगा, वो मेरी कोको कोको भी कोको, इसकी आंखें कैसे रेड रेड सी दिख रही है ना। तो घर अभी पहुंच चुके दोस्तों, खाना वाना खा लिया, उसके बाद में होमस्टे में मैं आ गया और यहाँ पे देख रहा हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, क्योंकि होमस्टे को मैंने ज्यादा लॉक नहीं रखा होता है। अभी अज्जू भाई भी साथ में नहीं थी तो ऐसे में थोड़ी टेंशन भी हो रही थी, मैंने कहा लॉक नहीं किया, बट मम्मी ने जो होमस्टे को लॉक कर दिया था। जो सामान लेके आए स्टूडियो को वो तो अलग टाइप से वीडियो आपको आ जाएगी, पहले मैं सोच रहा था यहाँ पे दिखा दूँ, फिर मैंने सोचा यार वीडियो ऐसे ही बोरिंग हो जाएगी, मतलब सामान का रिव्यू क्या करूंगा, वो वाला चैनल तो है नहीं, वो दूसरे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। होमस्टे की अभी फिर से ओपनिंग होगी एंड यहाँ पे देख सकते हैं भाई हमारे चंबा से पहुंच चुके हैं। और भाई जी क्या हालचाल है? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। तो ये भी जो है साथ में गाड़ी में ही बैठ के आए थे, वहां से इनसे कॉन्टेक्ट जो मेरा हो चुका था, तो अभी बस थोड़ी देर बातें शाते करते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूले, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टा पे भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, भगवान के आपका समय शुभ हो, टेक केयर एंड बाय बाय।